कभी बहुत बहस होती है, बहुत डिस्कशन होती है। जब आप अच्छा काम करते हो तो उसमें बहुत डीप जाना भी पड़ता है और कोशिश भी करनी चाहिए कि जिस धर्म की आप बात कर रहे हो उस धर्म के बारे में आप कितना जानते हो। मेरे जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज PhD इन संस्कृत। वो एक्चुअली हम लोग पहले भट्ट थे, फिर बाद में उनको सरने मिले शास्त्री, तो हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी भाविन शास्त्री हुआ फिर बिना मेहनत। तो हर चीज को जाने बिना करना कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा जब हम लोग इस्लाम के बारे में कुछ बात करते हैं या उनके जो कैरेक्टर्स है उनके लिए बात करते हैं, उनके खुदा के बारे में बात करते हैं, तो हमारे कुछ नॉलेज कम हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन हर जगह पर बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन हुआ तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। कुरान के बारे में जाना जाए या इस्लाम के बारे में जाना जाए, कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस, यानी जिसके बेस पर ये पूरा धर्म खड़ा है। जहां पर मैं हजरत अली जी की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं खुदा की बात करता हूं, वहां पर मैं अगर हसन और हुसैन की बात ना करूं तो इससे बड़ी यानी तोहीन नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस्लाम हसन और हुसैन और हसन के बिना, क्योंकि सेक्रीफाइस जो ये उम्र में जिनके दिल में बलिदान की ये भावना हो, आपको सोचना पड़ेगा कि इस्लाम किस तरह से इतने छोटे बच्चों को ये संस्कार दे पाया। वो संस्कार थे नबी के जो उन तक पहुंचे, और ये जो संस्कार है वो आज पूरी मुसलमान कौम तक पहुंचे। तो ये कहते हैं ना, बाकी के धर्म जो है वो पैसों पे खड़े रहे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योगी थे वो अपने पैसों से, अपने ताकत से, लेकिन दो ऐसे धर्म रहे, अगर उनको स्थापित करने वाले दो लोगों के बारे में बताया जाए तो उनके पास शायद खाने के लिए दो रोटी भी नहीं थी। और वैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर साहब, और दूसरे जीसस जिस पर ये पूरा क्रिश्चियन धर्म खड़ा हुआ। दो ऐसे लोग जिनके पास डे टू डे का भी प्रॉब्लम था उसमें, तो उन्होंने इतना बड़ा धर्म जो स्थापित किया, वो एक ही बात थी, वो था बलिदान। और इसको, इस बात को एक्चुअली जब ये कव्वाली बनी भरदो झोली, उसमें से बहुत ही प्यारी सी लाइन ही काट गई जिस पर मुझे बड़ा गुस्सा हुआ। एक तो जो गायक था उस पर गुस्सा हुआ, दूसरा मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि जो इस कव्वाली का हार्द था यानी जो हार्ड था वही निकाल दिया। और वो लाइन ये थी कि उन नवासों का सदका अता हो जिसने सदके में गर्दन कटाई। ये बात ही ये कव्वाली से निकाली। और एक्चुअली मुझे थोड़ा ऐसा है, मैं थोड़ा पागल टाइप का आदमी हूं कि मुझे अगर कुछ चीजों में गलत लग जाता है तो फिर मैं उसकी तैयारी नहीं करता। तो मैं कोशिश करता हूँ ये प्यारा सा पारसी कव्वाल, लेकिन इस लाइन को साथ में रखेंगे, उन नवासों का सदका होता हो जिसमें सदके में गर्दन कटा ली। और सदके के बारे में क्या कहा जाए, ये पूरा धर्म मैं क्या कहूं आपके लिए, इतनी पवित्रता, इतना साफ, मैंने कोई धर्म पढ़ा ही नहीं। मैंने जब मैं कुरान पढ़ने बैठा तब मैं जैसे ही पन्ने पलटता गया तो मैं कुरान नहीं पढ़ रहा था जैसे मैं अपने आप को पढ़ रहा था, जैसे मैं एक ऐसा साफ सुथरा इंसान जो एक रोज अपने कुछ लोगों के साथ गुजर रहा था रास्तों पर, और वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर देखा, तो नबी ने खुद झुककर वो पत्थर उठाया और रास्ते से किनारा किया और फिर आगे चला। तब उनके अनुयायी, उनके साथ जो चलने वाले थे लोग, उन्होंने पूछा कि नबी हमें बता देते, हम उठाकर, बोले हमारी परेशानी तो हम ही उठाएंगे, और परेशानी को इस तरह से उठाना चाहिए, रास्ते में अगर कुछ रुकावट दिखे तो उसे उस तरह से हटाओ कि अगला आने वाला मुसाफिर हो उसे वो रुकावट कभी ना लगे। ये है संस्कार आपके धर्म में दिए। ये बात आप लोगों ने इतना सीरियसली लिया
कि जब बरसों के बाद एक मुसलमानों का काफिला गुजर रहा था एक रास्ते पर से और वहां पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, तब एक इंसान ने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से कोई सच्चा मुसलमान ही नहीं गुजर। मैं क्या बताऊं, मैं जब भी ये बात करता हूं, एक्चुअली हमारे देश में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कॉम्बिनल थोड़ा हो जाता है, उन लोग एक्चुअली मुझे विश्व हिंदू परिषद काफी लोगों ने एफआईआर भी कर दी मेरे नाम से, लेकिन क्या करूं, जिसमें मैंने अपने आप को ढूंढा वो मैं कैसे भूल सकता हूं। तो हर चीज इस तरह से, संगीत ने मुझे सूफियत दी, संगीत ने मुझे कुरान पढ़ने का अवसर दिया, संगीत ने मुझे आपके धर्म को पहचानने का मौका दिया, उस इंसान को समझने का मौका दिया जो कहते हैं कि ये दुनिया बनाई गई बराए रसूल, ये दुनिया बनाई गई उनके लिए, हम तो बिल्कुल प्यादे हैं। तो सुंदर विचार, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ये उन नवासों का सदका अता हो, उन नवासों का सदका अता हो, जिसने सदके में गर्दन कटाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो भर दो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, उन नवासों का, उन नवासों का, उन नवासों का सदका अता हो, जिसने सदके में गर्दन कटाली, उन नवासों का सदका अता हो, जब तक बिता न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिता न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, हाँ तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो भर दो झोली, भर दो झोली हम सबकी झोली मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, और मौला 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 मेरे मौला, मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मेरे मौला मेरे मौला, Thank you.
I'm gonna go to the hospital.